हेलो भाई आज हम बात करेंगे Redmi फ़ोनों के फेस लॉक सेटअप के बारे में कि कैसे अगर आप लोगों ने नया फ़ोन परचेस किया होगा या फिर फेस लॉक का सेटअप आप लोगों को करना है तो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आप लोगों को एकदम आसान तरीके से बताएंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें सेटिंग्स पर क्लिक करें उसके बाद हम जाएंगे अपने फ़ोन के पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे ओके आ, यहाँ पे आ गया फेस का इस पर हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पे हम करते हैं फेस को ऐड ऐड फेस डाटा करते हैं हम यहाँ पे ओके उससे पहले क्या करना है हमें उससे पहले अपने फ़ोन में कुछ पैटर्न लेना है पैटर्न भी डाल सकते हैं पिन भी डाल सकते हैं पासवर्ड भी डाल सकते ओके तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉक को सेट कर लेना है ओके तो हम इसको गोटिड करते हैं शायद हो सकता है ये सब आप लोग को लो, स्क्रीन रिकॉर्डर में देखने को ना मिले क्योंकि प्राइवेसी से रिलेटेड रहता ना ये तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसका पासवर्ड अब हम करते हैं एक बार और डाल के इसको कन्फर्म ये कन्फर्म कर दिया अब यहाँ पे तीन सेकेंड तक वेट कर रहा है और अब यहाँ पे हम अपना फेस कंट्रोल कर लेते ओके नेक्स्ट करते हम यहाँ पे ओके 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 तो अभी दिक्कत क्या है कि आ, मतलब आ, अभी काफी अंधेरा है हमारे सेटअप में लाइट ना होने की वजह से जिसकी वजह से डिटेक्ट नहीं कर रहा बट हाँ ये काफी आराम से डिटेक्ट कर लेगा ओके तो देखिए क्या करना है आप लोगों को कि फेस में सबसे पहले आप लोग को अपना पैटर्न डालना है उसके बाद फेस को इंडोल करना है फेस इंडोल करने के बाद आप लोग को कहाँ कहाँ में यूज करना है लॉक स्क्रीन में यूज करना है प्राइवेसी में यूज करना है एक्सेट्रा कहीं पर भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो कि वैसे भी अगर मैं आप लोग को फेस ऐड करके दिखाता अभी तो वो आप लोग को स्क्रीन में दिखता नहीं क्योंकि वो पता नहीं हम छुपाते नहीं है बट वो दिखता ही नहीं है ओके प्राइवेसी से रिलेटेड फीचर रहते है इसकी वजह से बट अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग हमें कॉमेंट्स करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय माता दी